देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ ही घंटों के अंदर एक और मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में मनोज नाम का 10,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। घायल बदमाश के पास से एक चोरी की बाइक और पिस्टल बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि मनोज नाम का ये बदमाश अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर सवार होकर नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के प्रचंडा रोड से जा रहा था, जहां यह बदमाश अपने साथी के साथ एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसकी सूचना पुलिस को लगी। पुलिस ने नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। तभी प्रचंडा रोड पर एक बाइक को जब पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार बदमाश बाइक मोड़कर भागने लगे और भागते समय पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में 10,000 के इनामी बदमाश मनोज को गोली लगी, जिसमें बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब हुआ। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए भिजवा दिया है। मनोज नाम के इस बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। 10:30 बजे के करीब 11:15 के करीब मंडी पुलिस को ये सूचना मिली कि दो बदमाश पचेंडा पुलिया के आसपास किसी घटना की फिराक में हैं। इन्होंने चेकिंग शुरू करी पचेंडी पुलिया पे, तो एक मोटरसाइकिल को संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका तो उस पर जो बदमाश थे वो रुके नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल बैक करके भागने लगे। जब पुलिस द्वारा उन्हें ललकारा गया रुकने के लिए तो उनके द्वारा पुलिस पे प्राणघात हमला किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा भी अपनी रक्षा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसका नाम मनोज सनोफ यसपाल आर ओ सिसोना छपार का रहने वाला है। और ज़्यादा जानकारी करने पर मालूम पड़ा कि वो थाना मंडी और थाना सिविल लाइन से वांछित था, 10,000 का इनामी था। उसके साथ एक और अभियुक्त जो था वो भाग गया है, उसकी भी तलाश की जा रही है। पुलिस पार्टी कॉम्बिंग कर रही है, उसने उसका नाम सोनू बताया है।